हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निबंध रवींद्रनाथ टैगोर। मैं आपके साथ 10 पंक्तियाँ शेयर करूँगी हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे रवींद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। सेकेंड लाइन हम लिखेंगे इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। थर्ड लाइन हम लिखेंगे इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। फोर्थ लाइन हम लिखेंगे इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। फिफ्थ लाइन हम लिखेंगे रवींद्रनाथ टैगोर जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी गए थे। सिक्स्थ लाइन हम लिखेंगे उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने में रुचि थी। सेवन्थ लाइन हम लिखेंगे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना इन्होंने ही की है। एट लाइन हम लिखेंगे सन 1913 में इन्हें गीतांजलि के साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नाइन्थ लाइन हम लिखेंगे 23 वर्ष की अवस्था में रवींद्रनाथ टैगोर जी का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। 10 और लास्ट लाइन हम लिखेंगे उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thanks for watching my video.